पांच दिन बाद कर्नाटक को मिला सीएम। कांग्रेस ने किया सीएम पद को लेकर औपचारिक ऐलान। सिद्धारमैया ही होंगे कर्नाटक के नए सीएम। डीके शिवकुमार होंगे डिप्टी सीएम। डीके बोले पार्टी हित के लिए राजी हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद डीके बनेंगे सीएम। पांच दिन की मान मनोवल और सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद कर्नाटक सीएम के लिए अड़े डीके शिवकुमार आखिरकार मान ही गए। सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम और डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम बनेंगे। देर रात 2 बजे सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीके से बातचीत की थी। इसके बाद ही वो डिप्टी सीएम पद के लिए तैयार हुए। 10 घंटे बाद दोपहर 12 बजे केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका औपचारिक ऐलान किया। इससे पहले सुबह शिवकुमार ने कहा कि मैं पार्टी के फॉर्मूले पर राजी हूँ, आगे लोकसभा चुनाव है और मैं जिम्मेदारियों के लिए तैयार हूँ। पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने सहमति दी है। डीके के भाई और सांसद डीके सुरेश ने कहा कि मैं पूरी तरह से खुश नहीं हूँ। दरअसल डीके सीएम बनना चाहते थे, लेकिन आलाकमान पहले ही सिद्धारमैया का नाम तय कर चुका था। इससे पहले डीके को मनाने के लिए राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बीच कई दौर की मीटिंग्स हुई, हालांकि सबके सब बेनतीजा रही। वेणुगोपाल ने कहा कि 20 मई को 12:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पिछले 3 से 4 दिन में हम कोशिश कर रहे थे कि सब में सहमति हो जाए। डीके शिवकुमार ने राज्य के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर दी है, इसमें कोई शक नहीं है। शिवकुमार अध्यक्ष थे और सिद्धारमैया साथ थे। दोनों कर्नाटक में पार्टी के लिए बहुत बड़ा कद रखते हैं। हाँ, सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं। दोनों बहुत काबिल हैं। हमने हाईकमान से बात की है, इन सभी लोगों से बातचीत की है। सोनिया, राहुल और प्रियंका के अलावा बाकी वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फैसला लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये आदेश मीडिया के जरिए कर्नाटक की जनता को बताइए। उन्होंने फैसला किया कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे, डीके शिवकुमार अकेले डिप्टी सीएम होंगे, वो लोकसभा चुनाव तक पीसीसी अध्यक्ष भी बने रहेंगे। 20 मई को 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के अलावा कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे। कांग्रेस ने आज शाम 7 बजे बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें पार्टी के सेंट्रल ऑब्जर्वर्स भी पहुंचेंगे। कांग्रेस ने 13 मई को 224 सीटों में से 135 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। लोकसभा चुनाव के बाद डीके बनेंगे सीएम। शिवकुमार 50-50 फॉर्मूले पर राजी हुए हैं। पहले 2.5 साल सिद्धारमैया सीएम रहेंगे और बाद के 2.5 साल डीके शिवकुमार, यानी कि डीके लोकसभा चुनाव के बाद 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि अब कर्नाटक का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसका नाम अभी तय नहीं हुआ है। पहले मानने को तैयार नहीं थे डीके। बुधवार को पहले इस तरह की खबरें आई थी कि डीके डिप्टी सीएम, कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष और 2 मिनिस्ट्री लेकर मान गए हैं। आलाकमान सिद्धारमैया को सीएम बनाना चाहता है और उन्होंने डीके के सामने 3 फॉर्मूले रखे थे। फिर खबर आई है कि वो किसी पर भी सहमत नहीं हुए। खड़गे से डीके ने साफ कह दिया कि बनाना है तो सीएम बनाओ, डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा। सुबह से ही दिल्ली में लिखी जा रही कर्नाटक सरकार की स्क्रिप्ट घंटे दर घंटे बदलती रही। डीके ने हाईकमान से कहा लोकसभा की 20 से 22 सीटें वो जितवा सकते हैं। खड़गे और राहुल गांधी के साथ सुबह डीके और सिद्धा की मीटिंग हुई थी, लेकिन एक राय नहीं बन सकी। बेंगलुरु में चल रही शपथ ग्रहण की तैयारियां रोक दी गई। इससे पहले डीके ने कहा था कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो उनकी लीडरशिप में काम करने को तैयार हैं। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस के कर्नाटक के नाटक का अंत हो चुका है और कर्नाटक को उसका किंग मिल चुका है। लेकिन 2024 के लिए कांग्रेस कैसे प्ले करेगी और क्या रोल प्ले करेगी, इसकी स्क्रिप्ट लिखी जानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।